माई डियर फ्रेंड्स, यू आर मोस्टली वेलकम ऑन योर चैनल स्टडी फॉर ऑन। नाउ आई विल टीच यू अ टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ते हैं ज्योग्राफी के बारे में। तो ज्योग्राफी का कोई एक टॉपिक उठाते हैं, चलिए देखते हैं कौन सा टॉपिक उठाते हैं। तो आज पढ़ेंगे हम लोग कॉस्मोस, सोलर सिस्टम, सोलर इक्लिप्स, लूनार इक्लिप्स और इन सारी चीज़ों के बारे में। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कॉस्मोस। तो कॉस्मोस क्या होता है? कॉस्मोस ब्रह्मांड है ना, ठीक है, इससे हमको बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। ब्रह्मांड कॉस्मोस क्या होता है? तो सबसे पहले एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा, स्टडी ऑफ कॉस्मोस। ठीक है, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड के अध्ययन को कहा जाता है कॉस्मोलॉजी। ठीक है, हिंदी में भी कॉस्मोलॉजी ही लिखा हुआ रहेगा, कॉस्मोलॉजी। तो कॉस्मोस क्या होता है? तो कॉस्मोस होता है सेलेस्टियल बॉडी प्लस स्पेस। ब्रह्मांड जो होता है, सेलेस्टियल बॉडी मतलब होता है आकाशीय पिंड आकाशीय पिंड और स्पेस मतलब होता है अंतरिक्ष। जो भी वर्ड अलग अलग हिंदी इंग्लिश अलग होगा मैं जरूर लिखा दूंगा। कॉस्मोस मतलब ब्रह्मांड होता है, ब्रह्मांड। ठीक है, तो कॉस्मोस क्या होता है? सेलेस्टियल बॉडी प्लस स्पेस। तो आकाशीय पिंड और अंतरिक्ष का सम्मिलित रूप को ही क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। यानी होल अरेंजमेंट ऑफ कॉस्मोस का अगर डेफिनेशन बोले तो होल अरेंजमेंट ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज एंड स्पेस आर कॉल्ड कॉस्मोस, है ना। यानी अंतरिक्ष और आकाशीय पिंड का सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। अंतरिक्ष वो आकाशीय पिंड का सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहते हैं। अब सेलेस्टियल बॉडी क्या होता है? आकाश में जितने भी पिंड दिखाई देते हैं, वो चाहे छोटे पत्थर हो, चाहे कुछ भी, चाहे कोई बड़ा से बड़ा ग्रह हो, ठीक है, तो आकाश में जो भी बॉडी दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं? आकाशीय पिंड। दोज बॉडी व्हिच एग्जिस्ट इन स्काई, वे पिंड जो आकाश में स्थित रहते हैं उसे क्या कहते हैं? आकाशीय पिंड। यानी दोज बॉडी व्हिच एग्जिस्ट इन स्काई इज कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। कभी कभी ब्रह्मांड का जो कलर पूछा जाता है आकाश का, तो वो ब्लैक ही होगा, ठीक। और अंतरिक्ष आकाशीय पिंड के अलावा जो खाली जगह बचा हुआ रहता है, है ना, ब्लैंक स्पेस, उसी को बोला जाता है अंतरिक्ष, ठीक है। ब्लैंक स्पेस यानी खाली जगह। तो हम लोग देखें कॉस्मोस क्या होता है, कॉस्मोस से रिलेटेड सारे के सारे चीजें, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसको, तो मैं इसे रफ कर देता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मेरे दोस्तों, एक होता है गैलेक्सी, है ना, गैलेक्सी जिसको हिंदी में कहा जाता है क्या? आकाशगंगा, आकाशगंगा। गैलेक्सी गैलेक्सी से टूटकर बना है सन, गैलेक्सी से टूटकर क्या बना? सन, जिसको क्या कहते हैं? सूर्य। सूर्य से टूटकर बना है क्या? प्लेनेट। एकदम ध्यान से समझना है, हाँ, ग्रह। और ग्रह से टूटकर क्या बना है? सैटेलाइट। यानी उपग्रह।
तो गैलेक्सी से टूटकर क्या बना? सन। सन से टूटकर क्या बना? प्लेनेट। और प्लेनेट से टूटकर क्या बना है? सैटेलाइट। जो जिससे टूटकर बना है वो उसी के चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसे सैटेलाइट किसके चारों ओर चक्कर लगाता है? ग्रह के, है ना। उपग्रह किसके चारों ओर चक्कर लगाता है? ग्रहों के। ग्रह किसके चारों ओर चक्कर लगाता है? सूर्य के। सूर्य के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? प्लेनेट। तो प्लेनेट रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक। लेकिन सन किसके चारों ओर चक्कर लगाता है? गैलेक्सी। हाँ, आप लोग सही सुने, सूर्य भी चक्कर लगाता। अभी तक तो आप लोग यही सुने थे ना कि सूर्य स्थिर रहता? नहीं, सूर्य का भी स्पीड होता 250 किलोमीटर प्रति सेकंड, और सन रिवॉल्व अराउंड द गैलेक्टिक सेंटर। गैलेक्सी के सेंटर को बोला जाता है गैलेक्टिक सेंटर, और उसे ही बल्ज के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये कहानी है, आगे पढ़ते हैं। सारे के सारे चीज को एकदम डीपली लेके चलेंगे, ठीक। आप लोग एकदम पेशेंस बना के रखें। हमारा जो सोलर सिस्टम होता है, हमारा सोलर सिस्टम यानी सौरमंडल, सौरमंडल, हमारा जो सोलर सिस्टम होता है जिसमें एक सन होता है, ठीक। और पहले 9 प्लेनेट था, और 2006 के बाद क्या हो गया? 8 प्लेनेट, है ना। तो हमारा सौरमंडल में, मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जो चीज़ें आप लोगों को नहीं समझ में आएगी मैं उसे, और लेकिन जो हिंदी इंग्लिश दोनों एक ही में लिखा जाता है तो मैं इसे एक ही चीज़ में लिखूंगा, ठीक। सन, और इतना कॉमन इंग्लिश सबको आती है। एक सूर्य होता है और क्या? 8 ग्रह होता है, ठीक। तो आप सभी जानते हैं सूर्य क्या है? एक तारा है। सन एक क्या है? स्टार है। तो हमारे सोलर सिस्टम में, हमारा सौर मंडल में कितना तारा है? एक तारा है। इसी तरह से बहुत जब तारे हो जाते हैं, ग्रुप ऑफ स्टार, ग्रुप ऑफ स्टार, है ना, असंख्य तारों के समूह, असंख्य तारों की समूह, असंख्य तारों के समूह को कहा जाता है क्या? गैलेक्सी, है ना, गैलेक्सी, आकाशगंगा, आकाशगंगा। और आकाशगंगा असंख्य गैलेक्सियों के समूह, ठीक है, नंबर ऑफ गैलेक्सी या ग्रुप ऑफ गैलेक्सी। आकाश गंगाओं के समूह, आकाश गंगाओं के समूह, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ गैलेक्सी, जो गैलेक्सी के एक समूह होता है, आकाश गंगाओं के समूह, उसको कहा जाता है क्लस्टर, है ना, आकाशीय पुंज। आकाशीय पुंज, और बहुत सारे आकाशीय पुंज और स्पेस मिलाकर ही क्या बनाते हैं? कॉस्मोस बनाते हैं। ए नंबर ऑफ क्लस्टर यानी ग्रुप ऑफ क्लस्टर, आकाशीय पुंज का एक ग्रुप प्लस स्पेस, अंतरिक्ष। मैं एक बार स्पेस लिख चुका हूं, मतलब आप लोग को भी समझ में आ रहा है, मैं अंतरिक्ष ही लिखा हूं, ठीक है। स्पेस मिला करके क्या बनाता है? कॉस्मोस बनाता है, ठीक। ये कहानी था, एक बार इसे भी आप लोग चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मेरे दोस्त, एक वक्त था जब हम लोग इन सारी चीजों के बारे कुछ भी नहीं जानते थे, क्या प्लेनेट है, क्या कुछ है। हम लोग दिनों के नाम को ही ग्रहों के नाम रख लिया किए थे, है ना, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, ऐसे समथिंग समथिंग। रवि बोले जाते हैं सूर्य को, तो इस तरह से दिनों के नाम को ही ग्रह रख लिए थे। लेकिन उस समय भी हमारे कुछ कुछ फिलोसोफर थे जो साइंटिस्ट नहीं थे। आजकल साइंटिस्ट होते हैं जो किसी एक फील्ड में एक्सपीरियंस रहते हैं, लेकिन उस टाइम जो फिलोसोफर रहते थे वो हर एक फील्ड में एक्सपीरियंस जताते, लेकिन भले ही कम नॉलेज होता था, लेकिन उस टाइम उसके सामने काफ़ी नॉलेज होता था बाकी सबों के कंपेयर में, ठीक है। तो प्राचीन समय की बात है, सोलर सिस्टम का जो शेप होता है, स्ट्रक्चर ऑफ सोलर सिस्टम की बात कर रहे हैं हम लोग, स्ट्रक्चर ऑफ सोलर सिस्टम, है ना, सौर मंडल की संरचना,
सौरमंडल की संरचना सबसे पहले एक फिलोसोफर थे जिसका नाम था टॉलमी, PTOLMY, हाँ लिखते हैं P लेकिन साइलेंट होता है क्या, टॉलमी। लगभग लगभग 140 एडी की बात है, 140 एडी। अब एडी क्या होता है, आइए मैं समझाता हूँ। अभी जो 2020 चल रहा है, क्या चल रहा है, 2020, ये किस कैलेंडर के अनुसार चल रहा है, ये कैलेंडर के अनुसार चल रहा है। ये जो कैलेंडर बना है 2020, ये ईसा मसीह के जन्म के अनुसार चल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो ईसा मसीह के जन्म के अनुसार जो बने कैलेंडर को, इसको बोलते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। आज 2020 है तो कभी ना कभी 1000 भी हुआ होगा, कभी ना कभी 500 भी हुआ होगा, और कभी ना कभी जीरो। यही जो जीरो था, ये था जीरो बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था, आप सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं, इजराइल का कैपिटल यरूशलेम के बेतलेहम नामक स्थान पर ईसा मसीह का जन्म हुआ था। और इसी दिन हमारे ईसाई भाइयों ने एक कैलेंडर बनाना शुरू किया था, जिसे हम लोग क्या कहता है, जिसे हम लोग कहते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। और उसी के हिसाब से आज 2020 चल रहा है, और यही कैलेंडर ग्लोबली फ्लो किया जाता है, जबकि हमारा नेशनल कैलेंडर तो कुछ और है। तो क्या ईसा मसीह के जन्मदिन से, जन्म से पहले क्या डायनेस्टी नहीं थी, क्या लोग नहीं थे, ले थे है ना, उससे पहले भी डायनेस्टी थे, लेकिन उससे पहले जो डायनेस्टी थे उसे हम लोग रिवर्स ऑर्डर में देखते हैं। तो जीरो जैसे ईसा मसीह से 10 साल पहले, ईसा मसीह से 500 साल पहले, ईसा मसीह से इन्फिनिटी ईयर पहले, तो ईसा मसीह से पहले का जो साल है उसे हम लोग दिखाते हैं BC से, यानी बिफोर क्राइस्ट। BC इसका फुल फॉर्म क्या होता है, बिफोर क्राइस्ट, जिसको हिंदी में बोला जाता है ईसा पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व। और जिस दिन जीरो ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसी को कहा जाता है AD, एनो डोमिनी, है ना। और उससे आगे जितना भी वर्ड होता है सबको क्या बोलते हैं, AD। एनो डोमिनी जो होता है, एनो डोमिनी एक ग्रीक वर्ड है जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है कॉमन एरा, ठीक है। SSC का 2015 का सेट में पूछा है CE का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, कॉमन एरा, कॉमन एरा। और कॉमन एरा का मतलब ही क्या होता है हिंदी में, SV। तो ये था, जब तक ईसा मसीह का जन्म नहीं होगा तब तक हमारे डेट रिवर्स ऑर्डर में चलते हैं, जैसे 500 के बाद 200, 200 के बाद फिर क्या 100, फिर 10, फिर 10, 9, इस तरह से। और जैसे ही ईसा मसीह का जन्म होगा हमारे कैलेंडर क्या सही ऑर्डर में आ जाएंगे, जैसे 1, 2, 3, 4 फॉरवर्डिंग बेस में चले जाएंगे, ठीक है। तो जो ईसा मसीह के कुछ दिन बाद होते हैं उसको AD से दिखाते हैं, ठीक है, ईसा मसीह के बाद वाले दिन को, और ईसा मसीह के पहले जो होता है उसे क्या कहते हैं, BC। तो ये वो है AD, 140 AD। क्लियर टू एवरीवन, ठीक। तो उस समय जब हमारे सामने कुछ भी नहीं था, ठीक, ना तो हमारे सामने कोई टेलीस्कोप था, ना ही कुछ, उस समय हम, हमारे सोलर सिस्टम कैसे थे वो पता नहीं। उस टाइम जो लोग देखते थे उसे ही विश्वास कर लेते थे, जो देखते थे उसे ही विश्वास कर लेते थे, ठीक है। जैसे हमारा पृथ्वी के चारों ओर देखते हैं सूर्य पूर्व से उगता है और पश्चिम में जाकर सिंक हो जाता है, पश्चिम में जाकर अस्त हो जाती है, तो इसे हमको लगता है कि हमारा पृथ्वी जो है बीच में है और जिसके चारों ओर क्या हो रहा है, सूर्य घूम रहा है। तो यही एक मॉडल दिया था टॉलमी ने, सोलर सिस्टम का एक मॉडल दिया था जिसको कहा जाता है जियोसेंट्रिक मॉडल। इसने बताया था हमारा जो सोलर सिस्टम है वो कैसा है, जियोसेंट्रिक है। जियोसेंट्रिक यानी भूकेंद्रीय, भूकेंद्रीय, ठीक है। और भूकेंद्रीय मतलब अर्थ जो है वो कहां होगा, बीच में होगा, और सूर्य सन इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा, ठीक, सूर्य इसके चारों ओर चक्कर लगाए। लेकिन ये तो मॉडल पूरा पूरी फेल है, लेकिन हमें तो उस टाइम कुछ पता ही नहीं था। राजा महाराजाओं के विरुद्ध में एक बार जो बोल दिया वो हमेशा के लिए बोल हो जाते थे, इसके विरुद्ध कोई जाएगा तो कैपिटल पुनिशमेंट दे देगा, है ना, कैपिटल पुनिशमेंट यानी फांसी की सजा। तो बहुत दिनों बाद लगभग लगभग 1545 AD एक व्यक्ति आए थे, 1545 AD में एक व्यक्ति आए थे जिसका नाम था निकोलस कॉपरनिकस। निकोलस कॉपरनिकस
उस समय भी हमारे सामने दूरबीन उरबीन का कुछ भी खोज नहीं था, लेकिन उस टाइम ये अपने कैलकुलेशन के साथ जिस भी तरह से कैलकुलेशन किया था, इसने बताया था हमारा जो सोलर सिस्टम का मॉडल है, हमारा जो सौरमंडल का संरचना है, वो जियोसेंट्रिक नहीं, वो हेलियोसेंट्रिक है। क्या है? हेलियोसेंट्रिक। हेलियोसेंट्रिक मतलब होता है सूर्य केंद्रीय। सूर्य केंद्रीय, और सूर्य केंद्रीय मतलब सन क्या होगा? सेंटर पर होगा, और अर्थ इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा। तो सबसे पहले हमारे सोलर सिस्टम के मॉडल देने वाले थे कौन? कॉपरनिकस। इसीलिए हम लोग जानते हैं फादर ऑफ सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल का जनक किसे कहा जाता है? निकोलस कॉपरनिकस को, यानी फादर ऑफ सोलर सिस्टम निकोलस कॉपरनिकस। ठीक है, इसे भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको जरूरत है तो, फिर नहीं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो हो चुका था, आगे हम लोग जाते हैं ओरिजिन ऑफ कॉस्मोस। हम लोग देखते हैं कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ था। ठीक है, ओरिजिन ऑफ कॉस्मोस, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। तो ब्रह्मांड के निर्माण का दो तीन थ्योरी है। ठीक है, एक होता है स्टैटिक थ्योरी, सतत सृष्टि का सिद्धांत, सतत सृष्टि का सिद्धांत। इस थ्योरी को दिया था डॉक्टर एल हरमन बॉडी और थॉमस गोल्ड। थॉमस गोल्ड एंड हरमन बॉडी। ठीक है, एक दूसरा थ्योरी होता है जिसको बोला जाता है प्लास्टिंग थ्योरी। प्लास्टिंग थ्योरी, इसी को बोला जाता संकुचन विमोचन का सिद्धांत या दोलन सिद्धांत। संकुचन विमोचन का सिद्धांत या दोलन सिद्धांत। ठीक, दोलन सिद्धांत इसको दिया था डॉक्टर एलन संडेजा। और एक थ्योरी होता है बिग बैंग थ्योरी। बिग बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोटक का सिद्धांत। महाविस्फोटक का सिद्धांत इसको दिया था एब्जोज लेमेंडर, हिंदी में बोलते हैं लेमेंत्रे। एब जॉर्ज लेमेंत्रे, और इसे लेमेंडर बोलते हैं, है ना। हिंदी इंग्लिश नाम थोड़ा अलग अलग होता है, जैसे अरिस्टोटल, उसको क्या बोला जाता है हिंदी में? अरस्तु। इन तीनों थ्योरी में से, ब्रह्मांड के जो निर्माण होने का तीनों थ्योरी में से सबसे महत्वपूर्ण थ्योरी बिग बैंग थ्योरी को माना गया। ठीक है, और इसे ही सबसे ज्यादा प्रूव्ड है ब्रह्मांड का निर्माण होने का। तो इन तीनों थ्योरी में से हम लोग पढ़ेंगे किसको? बिग बैंग थ्योरी को। ठीक, तो चलिए अब हेडिंग डाली बिग बैंग थ्योरी। मैं ब्रह्मांड का निर्माण के लिए बिग बैंग थ्योरी को मैं आपको समझाने जा रहा हूं। इसको लिखना चाहते तो थोड़ी देर में स्क्रीनशॉट कर लीजिए।